हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन फिरोजाबाद के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को फिरोजाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर फिरोजाबाद पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। दो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं। फिरोजाबाद पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर अनुराग उर्फ अन्नू का। अनुराग उर्फ अन्नू महावीर नगर थाना दक्षिण का रहने वाला है। अनुराग उर्फ अन्नू पर एक दर्जन से भी अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अनुराग का नाम चर्चा में जब आया जब इसने अपने साथियों के साथ मिलकर तिलक नगर के रहने वाले सर्राफा कारोबारी महेश वर्मा को गोली मारकर लूट लिया था। फिरोजाबाद पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि मुखबिर खास से एक सूचना मिली, उसी के आधार पर उत्तर रामगढ़ और एसओजी टीम ने यहां घेराबंदी की थी। पुलिस को देखकर गैंगस्टर अनुराग ने फायरिंग कर दी। गोली चलने ही टीम सतर्क हो गई, जिससे जवाबी फायरिंग करने लगी, जिसमें एक गोली गैंगस्टर अनुराग के पैर में जा लगी, जिससे वह वहीं घायल होकर गिर पड़ा। फिरोजाबाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर संतोष यादव का, उर्फ कोरी का। संतोष यादव सिकंदरपुर का रहने वाला है। संतोष यादव पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। संतोष यादव का नाम चर्चा में जब आया जब इसने शिकोहाबाद में 6 फरवरी को योगेश कुमार उर्फ सेट्टी और 19 सितंबर को रिंकू की हत्या कर दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि संतोष यादव पंजाब में भी एक हत्या को इल्जाम दे चुका है। फिरोजाबाद पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन यह फरार चल रहा था। इसने बिहार की राजधानी पटना में शरण ली हुई थी। संतोष यादव सुपारी लेकर हत्या करता है और एक पेशेवर किलर है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। एक खास मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने संतोष यादव को गांधी मैदान पटना से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर लालू यादव का। लालू यादव थाना फरीहा के गांव पिलकतर का रहने वाला है। लालू यादव एक सातिर अपराधी है। लालू यादव पर हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण और चोरी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 मार्च को स्थानीय कोर्ट में एक मुकदमे में पेशी के लिए लालू को लाया गया था। वापस जेल जाते समय वह पुलिसकर्मियों को धक्का मारकर भाग गया था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि मुखबिर खास की एक सूचना पर लालू यादव अपने साथी बंटी यादव के साथ जसराना नहर के पुल पर मौजूद है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें लालू यादव की घेराबंदी पुलिस ने कर ली। पुलिस को देखकर लालू ने भी फायरिंग चालू कर दी, जिसके बाद एक गोली लालू को लग गई। लालू यादव वहीं गिर गया जब उसका साथी बंटी इसी बीच भाग निकला। पुलिस ने लालू को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर विक्की बॉक्सर का। विक्की बॉक्सर पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के 1.5 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। विक्की बॉक्सर एक सातिर किस्म का अपराधी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एसओजी की टीम को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर विक्की अपने साथी बदमाशों के साथ शिकोहाबाद जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाकर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को बाइक पर 2 साथी दिखाई दिए। रोकने पर वह शिकोहाबाद की तरफ भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में विक्की घायल होकर बाइक समेत गिर गया, जबकि उसका साथी सचिन खेतों की तरफ भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। घायल गैंगस्टर विक्की बॉक्सर को इलाज के लिए अस्पताल उपचार के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर शंकर उर्फ शंकरिया का। शंकर पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज है। शंकर बदमाश गैंग का सरगना है। इसकी गिरफ्तारी पर फिरोजाबाद पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि मक्खनपुर थाना क्षेत्र में पाइनियर पुल पर 16 दिसंबर को बैंक के कर्मचारी के साथ लूट की घटना थी, जिसे एक बड़े गैंग द्वारा इल्जाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि गैंग का सरगना शंकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि पुलिस को एक सूचना मिली कि शंकर गांव धोरू चौराहे पर मौजूद है। वह किसी घटना को इल्जाम देने की फिराक में था, तभी पुलिस ने दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु उर्फ हन्नी का। हन्नी CL वाटिका कस्बा अराव का रहने वाला है। हिमांशु उर्फ हन्नी पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और लूट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हिमांशु उर्फ हन्नी हत्या के एक मामले में फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और इसकी गिरफ्तारी पर जगह जगह दबिश दी जा रही थी, लेकिन हिमांशु उर्फ हन्नी पुलिस की गिरफ्त में बाहर था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया हुआ था। हिमांशु ने एनकाउंटर के डर से आज सुबह थाना CL वाटिका पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस उसके आत्मसमर्पण से भौचक्की रह गई है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर जुम्मन शाह का। जुम्मन शाह एक सातिर गैंगस्टर है। जुम्मन शाह पर हत्या के प्रयास, लूट, जबरन वसूली के फिरोजाबाद जिले के साथ साथ मैनपुरी के अलग अलग थानों में 20 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके तलाश में जुटी हुई थी कि आगरा रोड स्थित शाम बिहार कॉलोनी निवासी विनय कुमार बाइक से घर लौट रहा था कि क्रिश्चियन एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज के पास 2 बदमाशों ने तमंचा दिखाकर युवक से बाइक, मोबाइल और पैसे लूट लिए। इसकी सूचना पुलिस टीम को लगते ही पुलिस ने स्वाट टीम ने आगरा रोड पर गैंगस्टर जुम्मन और साथी का पीछा किया। जावड़ा नहर के पास गैंगस्टर जुम्मन ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गोली गैंगस्टर जुम्मन को लगी, जबकि एक गोली सिपाही को लगी। गैंगस्टर के लगी गोली देखकर उसके साथी फरार हो गए, जबकि गैंगस्टर बाइक सहित गिर गया। पुलिस ने सिपाही और जुम्मन गैंगस्टर को अस्पताल में भर्ती करने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर विपनेश का। विपनेश पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, मगर यह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। मुखबिर खास की एक सूचना पर विपनेश ने शिकोहाबाद में होने की सूचना मिली। फिरोजाबाद पुलिस ने टीम तैयार कर विपनेश को शिकोहाबाद में घेर लिया। अपने को घिरता देख विपनेश ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे पुलिस का एक जवान घायल हो गया। इस मुठभेड़ में बड़ी कोशिश के बाद पुलिस ने विपनेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर BC किंग का, संजीव गुप्ता का। संजीव गुप्ता आर्चिड ग्रीन कॉलोनी का रहने वाला है। संजीव गुप्ता पर धोखाधड़ी, अपहरण, फिरौती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि संजीव गुप्ता का नाम चर्चा में जब आया, जब वर्ष 2017 में शहर के कई कारोबारियों का करोड़ों रुपया लेकर यह फरार हो गया था। दरअसल संजीव गुप्ता कमेटी का धंधा करता था, जिसका पैसा लेकर यह फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी कि संजीव गुप्ता ने अपने अपहरण का नाटक रचकर 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने संजीव गुप्ता, इसकी पत्नी और 3 सदस्यों को जेल भेज दिया था। जेल से रिहा होने के बाद संजीव गुप्ता पर कई मुकदमे दर्ज हो गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने शहर छोड़ दिया था। न्यायालय का कई बार नोटिस देने के बाद भी जब यह उपस्थित नहीं हुआ तो इसके आर्चिड निवास की कुर्की कर ली गई थी।
उसके बाद भी उपस्थित न होने पर फिरोजाबाद पुलिस ने इसे नोएडा से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर एक पर नाम आता है फिरोजाबाद के कुख्यात गैंगस्टर अशोक दीक्षित का। अशोक दीक्षित D27 गैंग का सरगना है। एक समय था जब अशोक दीक्षित गैंग का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों को पसीना निकल जाता था। अशोक दीक्षित एक हत्या के मामले में फिलहाल जेल में है और जेल से ही अपने गैंग को चला रहा है। गैंगस्टर अशोक दीक्षित पर हत्या के प्रयास अपहरण लूट रंगदारी के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक दीक्षित ने बहुचर्चित सुमन हत्याकांड को इल्जाम दिया था। दरअसल थाना दक्षिण क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी सुहाग नगर सेक्टर एक निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव के भाई एवं तिलक कॉलेज के शिक्षक सुमन यादव की 12 अक्टूबर 2007 को सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान वह अपने बेटे हर्ष के फल दिलवाने गया हुआ था, जिसमें हत्या का मुख्य आरोपी अशोक दीक्षित था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जहां 7 वर्ष पुराने केस में अदालत ने अशोक दीक्षित को दोषी करार दिया है, जिसमें अशोक दीक्षित को उसके साथियों के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिलहाल अशोक दीक्षित सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। दोस्तों ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन फिरोजाबाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।